हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके लवर हैं, जिसके लिए भी आप लोग रीडिंग को देख रहे हो, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने एक्स के लिए, अपने फियोंसी के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, आपसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे। सो गाइज, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। एंड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम एंड इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। गाइज, इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। आप लोग चाहो तो मेरे सेकंड चैनल पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज मैं वहाँ पर भी फ्री लाइव रीडिंग भी करती हूँ। एंड वहाँ पे मोर इंटरेस्टिंग रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल, ताकि मैं जब लाइव आऊँ या रीडिंग अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, सो रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो देखते हैं आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कॉन्टैक्ट कर रहे। वाई आर द नॉट टॉकिंग और कॉन्टैक्टिंग यू? क्यों नहीं कर रहे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, उनसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कॉन्टैक्ट कर रहे, क्या वजह है, क्यों नहीं कर रहे बात और कॉन्टैक्ट मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनसे। सो फर्स्ट है हमारे पास थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देन वी हैव द हायरोफ्रंट, टॉरस। फिर है गाइस हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेरिसियो, सैगिटेरियस। एस ऑफ वॉन्ड्स, सेरिसियो, सैगिटेरियस, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, उनसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे उनसे बात, क्यों नहीं कर रहे कॉन्टैक्ट, क्यों नहीं कर रहे उनसे बात। देन वी हैव हाई प्रिस्टिस, पाइसिस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। रिव्यूअर्स के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे उनसे कॉन्टैक्ट। फिर हमारे पास गाइस टेन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड लास्ट पे हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स, सेरिसियो, सैगिटेरियस। एंड बॉटम ऑफ द रैक है हमारे एट पास एट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे डबल एट, ट्रिपल एट नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यस, ये पर्सन ट्रिपल एट, ऑब्वियसली ये पर्सन मुझे लगता है मूव फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, आपको छोड़ के चले गया है डेफिनेटली, ये पर्सन वॉक अवे आप लोगों से करके गया है, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा सैड और डिसहार्ड हो। तो ये पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम आप लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ये पर्सन मैरिड हो सकता है, किसी और से मैरिड हो सकता है। ठीक है, इस पर्सन की ऑलरेडी फैमिली है, दैट्स वाई ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पर दो किंग है, हो सकता है आप कोई ऐसे लोगों के लिए रीडिंग को देख रहे हो जो आप दो लोगों के लिए रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, दो लोग आपके माइंड में हैं, दो पर्सन्स के लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हो, बट ये पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहा। गाइज, ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा है। जिन लोगों की यहाँ पे किसी और से शादी हो चुकी है, किसी और से वो मैरिड हो चुके हैं, वो पर्सन ऑब्वियसली अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, दैट्स वाई आपसे बात नहीं कर रहा। और कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे उनसे बात इसीलिए नहीं कर रहे बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, काफ़ी ज़्यादा वो पर्सन इस टाइम मुझे जैसे फील हो रहा है ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है, क्योंकि आपका ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है। ठीक है, इसने जैसे आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, आपके साथ डिसेप्शन किया है, आपको बैक स्टैबिंग की है, वैसे ही आप इसको किसी ने किया बैक स्टैबिंग, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन इस टाइम डिसहार्ट है, दैट्स वाई ये पर्सन अब आपसे बात नहीं कर रहा। जबकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, बट बहुत ज़्यादा इस टाइम ये लॉजिकल हो रहा है, अपने आप पे ये फोकस कर रहा है, ये आपके साथ बात करना तो चाहता है। कुछ लोग क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स बात नहीं कर रहे क्योंकि वो फैमिली में हैं अपनी, उनके बच्चे भी हैं, और अपनी सोसाइटी की वजह से वो बात नहीं कर रहे। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरता है फैमिली से और अपनी लाइफ फुल इंजॉय कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, इसीलिए ये आपसे बात नहीं कर रहा। अपनी लाइफ पे फुली ये पर्सन फोकस है। सो डेफिनेटली अगर तो ये पर्सन ऐसा है, आप इस पर्सन से मूव करो, रिलीज़ करो इस पर्सन को, ताकि आप अपनी लाइफ में अपना ट्रू सोलमेट अट्रैक्ट कर सको। अदरवाइज़ जो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, तो वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, तो वो मुझे लगता है उनको किसी ने यहाँ पे चीट किया है। ठीक है, दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा इधर सैड है और आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने का वेट कर रहा है, ग्रोथ चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करता है, बट ये पर्सन को पता है आपको छोड़ के चले गया था, तो अब ये कैसे आपके पास वापस आए। ठीक है, तो इसको मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि आपसे बात कैसे करें, जबकि ये पर्सन बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इसकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा और इसको अच्छा फील भी नहीं हो रहा, तो ये आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन आपसे करना चाहता है, बट कन्फ्यूज़ है। कन्फ्यूज़ कैसा है, लाइक इसको नहीं समझ आ रही कि आप क्या आगे रिएक्ट करोगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंट्यूटिव हो रहा है, स्पिरिचुअल हो रहा है, अपने आप पर फोकस कर रहा है।
ताकि आपसे रिकॉन्सिलिएशन कर सके, बिकॉज हमारे पास थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन आपका फ्रेंड है, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है, बट कैसे बात करे आपसे वो नहीं इसको समझ आ रही, क्योंकि ऑब्वियसली इसने आपको चीट किया, आपकी तरफ आने का सोचता तो है बट कैसे आए इसको नहीं पता। कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे कंफ्यूज हैं, ठीक है, या सेवन ऑफ कप्स, कुछ लोगों के पार्टनर्स उनको उनसे कंफ्यूज हैं क्योंकि उन्होंने आपको चीट किया है, आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया है, सो दैट्स वाई वो आपकी तरफ नहीं आ सकते। और अभी उनकी लाइफ में मे बी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल दिखाई जा रहे हैं, एक तरफ आप हो और एक तरफ काफ़ी ज़्यादा उनके पास प्रपोजल हैं, दैट्स वाई ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा। फैमिली हो सकता है इसको काफ़ी ज़्यादा रिश्ते दिखा रही है, काफ़ी प्रपोजल दिखा रही है, जहाँ से इस पर्सन को कन्फ्यूजन हो रही है कि ये क्या चूज़ करे, जहाँ पे मतलब इसका फ्यूचर सिक्योर रहे। सो दैट्स वाई ये अभी थोड़ा कन्फ्यूज है, ठीक है। चैरियट का कार्ड है विक्ट्री, ये पर्सन चाहता है और उस चीज़ को चूज़ करना चाहता है जिससे इसको कोई बेनिफिट हो, लॉन्ग टर्म वो चीज़ चले, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा क्योंकि ये कन्फ्यूज़ है, अगर ये सिंगल है तो, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, मैरिड हो सक मैरिड तो है ही है कुछ लोगों के पार्टनर्स, बट जो सिंगल हैं उनको यहाँ पे उनके फैमिली वाले रिश्ते दिखा रहे हैं और वो वहाँ पे ज़रा बिजी हैं। याद यहाँ पे तीन सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं और कुछ लोग टोटली यहाँ पे अनमैरिड हो, आप भी सिंगल हो, ये भी सिंगल है, तो इस टाइम ये पर्सन काफ़ी डिसहार्ड है। यहाँ तो इससे किसी ने किसी से धोखा खाया है, किसी ने इसको धोखा दिया है, अभी आपसे बात तो करना चाहता है बट इसको समझ नहीं आ रही आपसे कैसे बात करें, ठीक है। सो ये जब तक कि अपने आपको हील नहीं करेगा, जब तक कि अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनेगा, तब तक ये आपके पास नहीं आ सकता। बहुत से लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं, आप इन स्पिरिचुअल हो सकते हो, इंट्यूटिव हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं लाइक मी, सो वेलकम टू माय चैनल। सो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ना हीलर है, ठीक है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करता है, बट आपके साथ कैसे कॉन्टैक्ट करे, कैसे आपसे बात करे, एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, बात तो आपसे करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही कैसे करे। बट जो सिंगल है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो मैरिड हैं वो अभी अपनी फैमिली को फुल टाइम दे रहे हैं, फुल इन्जॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन पार्टी फंक्शन चल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है यहाँ पर। तो मैंने तीन सिचुएशंस आपको बता दी हैं, सो आपसे जैसे रेजोनेट करेगा आप लोगों ने वैसे लेना है, अगर रेजोनेट नहीं भी करेगा देन इट्स ओके, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस टाइम आपको मैसेज नहीं देना चाहता यूनिवर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम आप जब मैं रीडिंग डालूंगी तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की और पसंद आई हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।